ओके सो मैंने ये फोटो क्लिक की, आई डोंट नो ये ऐसे क्यों हो रहा है, बट आई गेस मेरे ख्याल से इस वजह से हो रहा है. और मैं इसको यहाँ से होल्ड करके यहाँ से एक और क्लिक डाल सकती हूँ, इसको ऐसे बड़ा भी कर सकती हूँ, ऐसे ज़्यादा लेयरिंग टाइप कर सकती हूँ मैं उसकी, ओवरलैपिंग, लेयरिंग भी नहीं कह सकती, ओवरलैपिंग कर सकती हूँ. राइट, हम ऐसे कर सकते हैं. अब अगेन मैं बैक करती हूँ, मैं यहाँ से ऐसे स्वाइप अप करूँगी तो मुझे यहाँ और जो लास्ट 24 आवर्स में मेरे पास फोटोज़ थी तो वो मैं यहाँ डाल सकती हूँ. फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये है तो मैं ये अपनी डायरेक्ट स्टोरी में सेंड कर सकती हूँ किसी को भी, ऐसे सेंड सेपरेटली, और ये होगी. ओके तो ये रही स्टोरीज, ये रही जो स्टोरी की सेटिंग्स थी जो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाई थी. एंड ओके इसके अंदर अब नेक्स्ट है बूमरैंग. हमें यहाँ पर आपको एक चीज, अब बूमरैंग में 5 सेकंड्स या 6 सेकंड्स की बनती है ये, तो भी हम देख लेते हैं. ये प्रोसेस होगी, ये बन गई, हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. अगेन हम वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं जो हम नॉर्मल फोटो वीडियो में डाल सकते हैं इसमें भी. ये मैं अच्छी लग रही है, मैं ये सेव कर लेती हूँ इसको. राइट जब ये सेव होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगी. आई डोंट नो ये बंदा इतनी भारी लाइव क्यों आ रहा है, अच्छा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है. ओके सेव हो गई, ये मेरी गैलरी में सेव हो गई. अब मैं इसको बैक करती हूँ, देन मैं रिवाइंड कर सकती हूँ. ये भी 15 सेकंड की वीडियो बनती है, ये मैं ज़रा सी बनाऊँगी, ये भी अब प्रोसेस होगी. मैं देखती हूँ ये रही, ये ऐसे आ गई, ये बन गई, वो धीरे धीरे चल रहा है, वैसे धीरे चल रहा है. राइट बैक, देन मैं हैंड्स फ्री करके इसको ऑन कर दिया तो मैं यहाँ देख सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ. मुझे ऐसे उसको ऑन करके नहीं रखना पड़ेगा, होल्ड करके. अब मैं यहाँ से स्टॉप कर दूँगी इसको, कुछ भी डाल सकती हूँ, ऑफ कर दूँगा आवाज़ को. ये ऐसे हो गया, सेम वही सब चीज़ है. राइट उसको होल्ड ऐसे करने के बजाय वो हैंड्स फ्री हो गया. राइट ओके ओके, यहाँ से ऐसे ऑप्शंस भी आ गया. नेक्स्ट है स्टिकर्स, पॉपुलर वंस जो मैंने अभी डाले थे इसमें भी. आ गया, ऐसे स्टिकर्स लग जाएंगे, हमें बस इसको ऑन करना है, अपना फेस दिखाना है और स्टिकर्स आ जाएंगे. मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, छी. ऐसे थोड़े से बैठे जाए, ऐसे ऐसे ये अपने आप लगते रहेंगे, ऐसा नहीं आपको इसको होल्ड करके रखना है या फिर अलग से ऐसे टैप करना है, तो ये बस इजीली लग जाएंगे. फोटो खींची, ये आ गई. राइट ऐसे ऐसे इसमें फोटोज लग जाएगी. एंड अगेन वही सारी कहानियाँ हैं इसके अंदर कि क्या क्या आएगा. ओके देन नेक्स्ट, आप अपने फॉलोअर्स और लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हो. एंड देखो जैसे इन्होंने ये नेचर कनाडा और ये वाले विजुअल स्टोरी टेलिंग ऐसे टैग्स डाल रखे हैं तो इनके रिलेटेड वाले लोग देख सकते हैं. राइट मतलब उन लोगों को ईजिली एक्सप्लोर करके देख सकते हो. अब ऐसे में इन्होंने डाल रखे, देखो मैगी, IGS, लव फूड, दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली फूडी, दिल्ली ब्लॉग, फूड टॉक दिल्ली, इतने सारे टैग्स डाल रखे. एंड मोस्टली व्हाट पीपल डू वो डालते हैं लाइक फॉर लाइक, लाइक फॉर लाइक, लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, फॉलो फॉर फॉलो, फॉलो फॉर फॉलो, ऐसे करते हैं लोग. हमें लाइक वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि वो लोग अपने कंटेंट पे विश्वास नहीं रखते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो तभी वो लोग ऐसे से यूज़ करते हैं रादर देन जो ज़्यादा बेटर वाले पोस्ट होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़े. तो बट स्टिल दे यूज़ और ऐसे इंस्टा फूड और वास्को और इंडियन फूड ऐसे डालते हैं तो ये थोड़े लेजिटिमेट भी लगते हैं एंड इनकी वजह से और डिस्कवरेबिलिटी मिलती है हमारे पोस्ट को. तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली कोई भी हैशटैग सर्च कर सकते हैं, हैशटैग OFD2D, हैशटैग हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं. ये यहाँ आ गए हैशटैग्स हमारे, तो ये सब है. राइट ओ यहाँ पे सबका लिखा भी आ गया, कितने कितने यहाँ से भी देखेंगे. OFD2D से हमारा आएगा, टैग्स देखेंगे तो ये आएंगे, प्लेसेस हम कहाँ कहाँ गए वो नहीं आएंगे, बस ये पता नहीं कौन कौन सी प्लेसेस आ गई इसमें. राइट हम यहाँ से किसी का नाम सर्च कर सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं. ओके और मैं यहाँ से ऐसे अगर वीडियो चल रही है ऐसे टैप ऑन करके उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ. और भी यहाँ ऑन कर ली, आवाज़ तेज कर ली, ये आ गई. राइट मैं यहाँ से ऐसे टैप ऑफ करके ऑफ कर सकती हूँ आवाज़ को. एंड मैं ऐसे फोटो पर टैग करके उनके टैग भी देख टैप
करके उनके टैग देख सकती, वो टैग देख सकती हूँ किसको टैग कर रखा है फोटो में, राइट। ओके यस, और ये हमारा हार्ट वाला नोटिफिकेशन टैप है कि किस किसने हमारी फोटो लाइक की, कमेंट किया, हमारे कमेंट को लाइक किया, वो सारा आपको यहाँ आ जाएगा। ओके, और यहाँ फॉलोइंग, आपको यहाँ से पता चलेगा कि किसने अभी अभी पोस्ट लाइक किया या फिर अपने कमेंट किया है या किसी और का पोस्ट देखा, मतलब लाइक किया या किसी को फॉलो किया। जिनको हम फॉलो करते हैं उन लोगों का आपको दिखेगा। तो यही सब था, मैं ऐसे प्रमोशंस भी कर सकती हूँ, क्रिएट प्रमोट कर सकती हूँ किसी भी पोस्ट को। आई डोंट नो कितने पैसे लगेंगे, मैं देख लेती हूँ कि क्योंकि मेरा बिजनेस अकाउंट में रखा है। ओह, विजिट योर प्रोफाइल वेबसाइट, कूल, 65 rupees a day, वेरी गुड, इतना महंगा ये दिया, क्रिएट योर ओन, ओह वाह, ठीक है ऐसे प्रमोशन कर सकते। और यहाँ अब पता क्या हुआ, ऐसे में वॉच ऑल किया देख देख के, ऐसे आगे कर लिया, तो ऐसे से कर करके एक बार क्या हुआ, ऐड चल गया। वाज लाइक ये ऐड कैसे चल गई यहाँ पर, तो ऐसे हो जाता है। एंड ऐड बहुत चल रही है, उनको जितनी बार भी आप ऐसे करके हाइड ऐड करोगे, इनरेलीवेंट करोगे, तब वो फिर भी आ ही जाएंगी ऐड्स। सो स्टोरीज में ये दोबारा शूट कर रही हूँ, मैं शूट भी नहीं है, जो चीज़ें रह गई थी वो ऐड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप किसी की भी स्टोरी हाइड कर सकते हो कि जो आपको नहीं देखनी किसी की। फॉर इंस्टेंस मैंने ईश्मा की ऐसे होल्ड की, तो मुझे यहाँ दो ऑप्शन आ गए, व्यू प्रोफाइल और म्यूट ईश्मा। मैंने म्यूट ईश्मा किया तो इसकी प्रोफाइल बिल्कुल एंड में आ गया और मुझे नहीं दिखेगी। एंड जिन जिन की मैंने स्टोरीज देख चुकी उन सब की एंड की तरफ में आएगी, राइट। अब मैं वापस इसको ऐसे होल्ड करके अनम्यूट कर सकती हूँ, तो वापस ईश्मा की स्टोरी आगे की तरफ आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट थिंग मेरे को ये बतानी थी कि आप अपने फॉलोअर्स और लाइक्स में कैसे लाइक एंगेजमेंट और इंक्रीज कैसे कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू कि आप लोगों को टैग कर सकते हो, उन टैग कर सकते हो जस्ट ओनली व्हेन वो रिलेट करते हो उस चीज़ को। लाइक मैंने कोई प्लेस की फ़ोटो डाली, फॉर इंस्टेंस कौन सी फ़ोटो थी मेरी, फॉर इंस्टेंस मैंने ये फ़ोटो थी, मेरे को ये मेरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने लोगों को यहाँ टैग किया। मैंने इसमें और अपने आप को तो करती हूँ, मैंने इंस्पायर इंडिया और जो लाइक और भी फोटोग्राफी वाले क्लब्स हैं और उन सबको लाइक उनको टैग किया। एंड मैंने उनके हैश टैग्स भी डाले, लाइक ये रहा आई फ्रेम, इंस्पायर इंडिया, पी जे फॉर जंक्शन, डी पैक, तो मैंने ये सारे डाल दिए। बट आप और भी डाल सकते हो, राइट। एंड यहाँ टैग्स आप अप टू 25 टैग्स या 30 टैग्स आप डाल सकते हो, मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन या मुझे याद नहीं है, तो आप उतने ही टैग्स डाल सकते हो। अगर आपने एक ज़्यादा भी किया तो आपको पूरा कैप्शन गायब हो जाएगा, तो बी केयरफुल, राइट। और आप उससे अपने एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे ही आपने कोई एक नया पोस्ट डाला, आप लोगों की फ़ोटोज़ लाइक करो एंड वहाँ पे कमेंट करो, तो लोग यहाँ ऐसे देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं एंड वो क्या करते हैं, लाइक मैं भी ऐसे ही करती हूँ, किसी ने मेरी फ़ोटो लाइक की या फिर कुछ भी, तो मैं उसकी प्रोफाइल चेकआउट करती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं कल आपकी साइट पे गई, उन्होंने मेरी कोई फ़ोटो लाइक की, तो मैं उनकी साइट पे जाऊँगी, मैं मेरे को जो अच्छी फ़ोटो जाएगी मैं उनको लाइक करूँगी एंड मैं शायद कमेंट भी लीव कर दूँ, लाइक दिस ब्यूटिफुल, लाइक आई मीन इट, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओनली देन आप ऐसे अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो। और क्या होता है कि कोई भी लाइक, जैसे मैं आपको अपनी इस फ़ोटो का एग्जांपल दिया, किसी को मेरी ये फ़ोटो अच्छी लगी किसी भी पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, तो फिर वो मेरी फ़ोटो रीपोस्ट करते हैं। एंड अगर उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उनके फॉलोअर्स भी मेरी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, मे बी वो यही फ़ोटो आकर उसको लाइक करे और कमेंट करे उस पर, एंड दे कैन इवन फॉलो मी अप। तो ये होता है, यही चीज़ें हैं जो आपको देखनी है अगर आपको ऐसे लाइक लिजिटली आपको अपना अगर कुछ बढ़ाना है, नहीं फॉलोअर्स और लाइक्स को, एंगेजमेंट को, तो आप ऐसे करो, लाइक फॉर लाइक और ऐसे वाले
टैग्स को डालने का कोई मतलब नहीं है, वो आपके ट्रू फॉलोअर्स नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो बस देखेंगे चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे आपके पास, तो वो सब कुछ होता है खाली, राइट। एंड आप जितने भी लाइक इंडियन एक्सप्रेस हो गया, एपीआई हो गया, एपी हो गया, उन सब लाइक फोटोग्राफी रिलेटेड वाली चीज़ों को, या न्यूज़पेपर्स जैसे मैंने अभी नाम लिए जिनके, वो आप डाल सकते हो ताकि आपका ज़्यादा हो लाइक ताकि एंगेजमेंट बढ़े आपकी चीज़ में, राइट। और जो काफ़ी पॉपुलर अकाउंट्स हैं आप उनको भी टैग कर सकते हो, या जो पॉपुलर अकाउंट्स हैं उनको देख सकते हो। एंड अभी नया फीचर डाला है इंस्टाग्राम ने कि आप अपनी लाइव वीडियो को अपनी स्टोरीज में डाल सकते हो, जैसे अभी मैं आकृति की खोलती हूँ, तो ये अब नया लाइक वो लाइव थी आकृति, तो उसने अपनी लाइव वीडियो को सेव कर दिया है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, व्यू स्टोरी मैंने कर दिया, ये स्टोरी व्यू हो गई, राइट। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, वाह, ओके, वॉच लाइव वीडियो, तो ये रही पूरी लाइव वीडियो आकृति की, तो मैं ये देख सकती हूँ, मैंने यहाँ टैप करके इसकी वॉइस यहाँ आ नहीं रही, ऐसे कर ली, वॉइस आ गई, अभी मैं आवाज़ नहीं कर रही, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कमेंट्स आप पढ़ सकते हो किसी के भी, ये भी देख सकते हो, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। अभी मैंने कल ही देवश्री की देखी थी, लाइक ओके वाह, ये ऑप्शन आ गया कि इंस्टाग्राम ने डाला था ये ऑप्शन, ओके। सो यही था हमारे इसमें, सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी एंड यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर कुछ और नया आएगा तो मैं वो ऑब्वियसली अब नहीं अपडेट कर पाऊंगी, मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो एडिट करने वाली हूँ, ओके। सो यस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके देन।